एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में हम क्या अजम्पशंस लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, वो स्टैटिक चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं। तो हमने लिया दो चार्जेस Q1 Q2, कुछ डिस्टेंस मान लो r पे प्लेस्ड है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है? अगर चार्ज 1 चार्ज 2 पे फोर्स लगाएगा तो सिमिलरली सेकंड चार्ज भी फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा, तो वो जो उसका मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा बट डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगी। मतलब एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, दूसरा फर्स्ट पे लगा रहा है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फोर्स जो है यहाँ पे उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हमारे पास कॉन्स्टेंट आता है के, इसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 8.85 10^-12, और जो k है उसकी वैल्यू है हमारे पास 9 10^-9। यूनिट्स लिखने के लिए हम यूज करते हैं यहां से k कितना आ जाएगा, F×R², तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम इनवर्स स्क्वायर। इसी का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होगा, यूनिट्स हो जाएंगे परमिटिविटी। तो परमिटिविटी हमारे पास क्या है, एबिलिटी है, एबिलिटी है मीडियम की कि वो दो चार्जेस को कितनी फोर्स अलाउ करेगा, कि वो कितनी फोर्स एक दूसरे पे लगाएंगे। तो जो मीडियम की एबिलिटी है वो परमिटिविटी होगी हमारे पास। के कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू फर्दर हमने ली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कूलम्स लॉ किस पे बेस्ड था, पॉइंट चार्जेस पे और स्टैटिक चार्जेस पे। दो चार्जेस हैं, दोनों रेस्ट पे है लगेगा, एक रेस्ट पे है लगेगा, बट अगर दोनों मोशन में है तो कूलम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। तो यहां पे कूलम्स लॉ किस पे लगाया गया, चार्जेस पे लगाया गया। चार्ज क्या है, चार्ज जब भी कोई एक हमारे पास न्यूट्रल एटम कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा या डोनेट करेगा तो उस पे जो चार्ज आता है, पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन आता है, वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है चार्ज। तो चार्ज डेफिशिएंसी है और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी बॉडी पे। तो चार्जेस को कुछ डिस्टेंस पे रखा था, उन दोनों चार्जेस ने एक दूसरे पे फोर्स लगाई, डायरेक्शंस ऑपोजिट थी, बट हमने बोला कि अगर हमारे पास एक चार्ज है वो जो फोर्स लगा रहा है, दोनों की जो डायरेक्शंस है वो ऑपोजिट है, बट हम उनका मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं एफ। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये सेम जो हमने किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, वहां ग्रेविटेशनल में हमारे पास मासेस को रिप्लेस कर दिया चार्जेस से। तो नेक्स्ट हमारे पास कूलम्स लॉ के बाद आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अगर हमारे पास कोई एक चार्ज है उसकी स्पेस में एंटर करते ही कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो द स्पेस अराउंड दिस सोर्स चार्ज, यहां पे हमने कोई मोटा चार्ज रख दिया क्यू, तो क्यू के आसपास की जो स्पेस है जहां पे एंटर करते ही कोई टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी होती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पॉजिटिव के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसी होती हैं, आउटवर्ड्स, नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड। तो यूनिफॉर्म अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी ऐसे आउटवर्ड्स, नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी हमारे पास इनवर्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगी हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव चार्जेस या लाइक चार्जेस के लिए या फिर अनलाइक चार्जेस के लिए। तो अगर हम लाइक चार्जेस के लिए कंसिडर करें तो लाइक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो एक दूसरे पे प्रेशर एग्जर्ट करती है, ये लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करेंगी। हमने देखा क्या कर रही है, एक दूसरे को रिपेल कर रही है, रिपेल करते टाइम ये एक दूसरे पे प्रेशर जनरेट कर रही है, लेटरल प्रेशर लगाएगी। तो लाइक चार्जेस जो उनके बीच में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की वो ये बनेगी, एक दूसरे को रिपेल करती हुई लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करेंगी।
नेक्स्ट हमारे पास अनलाइक चार्जेस, तो अगर हम इसकी जगह अनलाइक चार्जेस ले लेते हैं तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव में जाके जो है वो टर्मिनेट होंगी। तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है और नेगेटिव में जाके जो है वो टर्मिनेट होंगी। डायपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट होंगी, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी, कंट्रैक्ट करती हुई नजर आएंगी रीजन को, क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करेंगी और यहाँ पे कंट्रैक्ट करती हुई नजर आ रही है। ये थी हमारे पास पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड्स, नेगेटिव के लिए इनवर्ड्स। और जब हमने बोला पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस, वो रिप्रेजेंट करती हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। लाइक चार्जेस के लिए लेटरल प्रेशर एग्जर्ट करेंगी, अनलाइक चार्जेस के लिए कंट्रैक्ट होंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये जो हमारे पास रीजन है, हमने एक पॉइंट लिया ए और एक लिया बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर कहां होंगी, ए पे, बी पे हमारे पास वीकर होंगी, क्योंकि क्लोजर द फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं क्या, इमेजिनरी लाइन्स हैं यूज टू रिप्रेजेंट द स्पेस अराउंड द चार्ज। ये हमने लिया था सोर्स चार्ज, जिसकी स्पेस में कोई टेस्ट चार्ज एंटर करा तो उसने फोर्स एक्सपीरियंस की, कैसी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो जो फील्ड जिस स्पेस के अंदर एंटर करते ही, इतना बड़ा चार्ज उसके आसपास की इतनी बड़ी स्पेस, उसमें जब कोई टेस्ट चार्ज एंट्री कर रहा है तो वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ईदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन देयर चार्जेस। तो वो हमारे पास जो स्पेस है जिसमें एंटर करते ही फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये स्पेस को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड्स, नेगेटिव के लिए इनवर्ड्स, लेटरल प्रेशर, कंट्रैक्ट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लोजर द फील्ड लाइन, स्ट्रॉन्गर विल बी द फील्ड। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, हमारे पास दो चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू, इक्वल बट ऑपोजिट। तो अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a, वो क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल बोला जाता है। पहले माइनस क्यू फिर प्लस क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a, ये है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। डायपोल की स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट से, p वेक्टर, अगेन वेक्टर क्वांटिटी है ये, q into 2a, तो हमारे पास डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का वो कितना है, 2a है, और चार्ज इधर चार्ज कंसिडर करना है, दोनों में से हमने ले लिया a, तो मतलब प्लस q माइनस q, जो हमारे पास पेयर है दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a, ये फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ मेजर करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट से, उसको रिप्रेजेंट करेंगे p से, विच इज q इंटू 2a। क्यों क्या है, चार्ज, और 2a दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इधर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। और जो डायपोल मूवमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी जो डायरेक्शन है वो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायपोल मूवमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। फिर से हमने बोला हमारे पास कूलम्स लॉ, दो चार्जेस दोनों के बीच में डिस्टेंस आर, दोनों एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, वो जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आ गया क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस किया, तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, मीडियम की एबिलिटी। जैसे क्लास में टीचर आती है तो टीचर अलाउ करेगी बच्चों को बात करना या नहीं करना, तो वो टीचर की एबिलिटी हो गई। तो मीडियम की एबिलिटी कि वो आपस में दो चार्जेस हैं, एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा सकता है, वो मीडियम की प्रॉपर्टी है, मीडियम डिसाइड करेगा। वॉटर में कितनी लग रही है, एयर में कितनी लग रही है, तो मीन्स मीडियम टू मीडियम वेरिएशन होती है। तो परमिटिविटी हमारे पास एबिलिटी हो गई, क्योंकि अगर
फोर्स वेरी करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है और उसकी वैल्यू इतनी है हमारे पास। नेक्स्ट हमने बोला इलेक्ट्रिक डायपोल, दो चार्जेस कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, डिस्टेंस कितना लेना है 2a, डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे और इक्विटोरियल पॉइंट पे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हम कंसिडर करेंगे एक डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू फिक्स है, माइनस पहले प्लस पहले, माइनस पहले फिर प्लस आएगा, तो माइनस क्यू प्लस क्यू, पी हमने पॉइंट लिया है हमारा बेचारा पॉइंट जहां पे हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा पॉइंट है एक्सियल पॉइंट है। तो P पे माइनस की वजह से, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड, पॉजिटिव B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स। तो ये हमारे पास हो गया EA और EB। E कितना आएगा, E फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई एक सोर्स चार्ज पड़ा है, उसके पास एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी होगी। अगर हम फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अगेन क्यू नॉट, तो जनरल फॉर्मूला रह जाता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है के क्यू बाय आर स्क्वायर, फोर्स कितनी थी के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ई ए मतलब पी पे ए की वजह से कितनी आ रही है, कौन सा चार्ज है माइनस क्यू, और ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस ये आर है, ओ से पी तक का डिस्टेंस हमेशा हम आर ही लेते हैं, दोनों डायपोल चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, डायपोल का जो डिस्टेंस है वो हमेशा टू ए लेंगे। तो ये बन जाएगा के क्यू अपॉन आर, अब यहां से यहां कितना हो गया आर प्लस ए, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर। डायरेक्शन किधर है, डायरेक्शन है ये हमारे पास पी ए का। नेक्स्ट ई बी, तो इसकी वजह से इस पे कितनी फील्ड लग रही है, अगेन के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये टोटल डिस्टेंस आर, उसमें से ए निकाल दिया तो ये बच गया हमारे पास, तो कितना आ जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो जब हमने ये निकाला हमें लेनी है साथ में डायरेक्शन, तो ये आ गया के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, डायरेक्शन बी से पी ये, और इसकी डायरेक्शन इस तरफ पी ए कैप, तो ए की और बी की फील्ड लाइन तो हमने दोनों ले ली। अब हमें लगाना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब एक पॉइंट पे अगर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फोर्स लगाएंगे तो उस पॉइंट पे जो वो चार्ज बैठा है, मान लो एक टेस्ट चार्ज पड़ा है उसके आसपास 10 चार्जेस हैं, तो वो जो टेस्ट चार्ज है वो 10 चार्जेस की फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट टेस्ट चार्ज विल बी इक्वल टू दी सम ऑफ ऑल दी इंडिविजुअल फोर्सेस। तो वेक्टर सम कंसिडर करेंगे, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस, तो वो हमारे पास क्या होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होगा। फोर्स पे एक टेस्ट चार्ज, उसके आसपास 10 चार्जेस, ये 10 फोर्स लगा रहे हैं टेस्ट चार्ज पे, तो ये फोर्स जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है दिस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बाकी सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो एक्सपीरियंस कर रहा है, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो ये जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स है उनका वेक्टर सम हम लेंगे, तो यहाँ पे दो फील्ड्स हैं ए की और बी की, तो पी पे आ जाएगा ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर, बट एक की डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे क्योंकि दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है, और एक की नेगेटिव लेंगे, तो हम जो बड़ा वाला है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं और छोटे वाले को नेगेटिव ले लेते हैं। तो आर माइनस ए समथिंग कुछ डिक्रीज हो रही है वैल्यू, आर में से कुछ कम हो रहा है, तो डिनोमिनेटर स्मॉल है, डिस्टेंस कम है, तो फील्ड ज्यादा हो गई, तो मींस हम लिख लेंगे इन मैग्नीट्यूड ई बी इज ग्रेटर देन ई ए। तो किया ई बी माइनस ई ए, तो ई ए प्लस ई बी लगाया, बट जब एड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा इन मैग्नीट्यूड। वैल्यूज पुट की, ई बी माइनस ई ए किया, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा के क्यू फोर ए आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, जहां पे पी कितना है क्यू इंटू टू ए, पी कितना है क्यू इंटू टू ए, तो ये क्यू ले लिया, इस फोर को स्प्लिट कर दिया, तो ये क्यू ए इंटू टू ए बन गया पी, तो टू के पी, ये हमारे पास आ गया टू के पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहां पे वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो
ईबी माइनस ई ए था, मीन्स ईबी की तरफ होगी डायरेक्शन, तो ये वाली कंसिडर होगी, तो पी एक्स एक्सिस मतलब एक्स कैप ले लेते हैं या प्लस आई कैप ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगी डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे, सिमिलरली निकालेंगे इक्विटोरियल पे। इक्विटोरियल मीन्स हमने क्या किया, हमने बोला कि हमारे पास यहाँ पे पी पॉइंट है विच इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल कंसिडर किया माइनस क्यू प्लस क्यू, उसके परपेंडिकुलर एक लिया पॉइंट पी, मान लो ये एंगल थीटा बना रहा है, ये एंगल थीटा बना रहा है, तो मीन्स ये हमारे पास 90 है परपेंडिकुलर पे। अब नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, इनवर्ड, तो ई ए इनवर्ड, और पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, तो ये आ गया ई बी वेक्टर। रिजॉल्व करते हैं, तो ए को रिजॉल्व करना है तो ऐसे रिजॉल्व करेंगे, इसको क्वाड्रेंट के अंदर इनक्लोज कर लेंगे, ये थीटा है तो ये एक कॉम्पोनेंट जाएगा और एक इधर आएगा, तो ये बन गया थीटा ऑल्टरनेट एंगल्स, ये आ गया ई ए कॉस थीटा और ये आ गया ई बी ई ए साइन थीटा। सिमिलरली बी को रिजॉल्व किया तो ये है ई बी, रिजॉल्व करने के लिए इसको क्वाड्रेंट के अंदर इनक्लोज करेंगे, तो ये बन जाएगा थीटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये बन गया ई बी साइन थीटा और यहां आ जाएगा ई बी कॉस थीटा, तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट है, कैंसल, सिर्फ क्या रह गया ई ए कॉस थीटा और साथ में ई बी कॉस थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये क्यों कैंसल हुआ, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ए की वजह से तो वो आएगी के क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस 2a है तो ये a हो गया, o से p तक का डिस्टेंस हमेशा r लेना है, o से p तक का डिस्टेंस हमेशा r लिया जाएगा, पाइथागोरस लगाएंगे ये आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां लगाएंगे ये भी आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डिस्टेंस सेम है। p पॉइंट पे a की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी उसमें डिस्टेंस आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो मीन्स यहाँ पे क्या आने वाला है अंडर रूट हट जाएगा KQ upon R square plus, तो यही सेम हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा EB का KQ upon under root R square plus A square का whole square, इसीलिए EB sin theta और EA sin theta cancel, सिर्फ रह गया EA cos theta EB cos theta, where the magnitude of EA is same as the magnitude of EB, तो EA cos theta plus EB cos theta becomes E cos theta, तो 2E cos theta, तो E की वैल्यू KQ upon R square plus A square और cos theta बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है ए, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये सॉल्व करेंगे हमारे पास आ गई इक्विटोरियल पॉइंट पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या है, फाइ इज ई डॉट डी एस, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू द सर्फेस नॉर्मली, नॉर्मली कितनी फील्ड लाइन्स पास करती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, तो फाइ इज ई डॉट डी एस। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या बोलती है, अगर हमें किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए फ्लक्स निकालना है तो सबसे पहले उसको एनक्लोज करो, एनक्लोज करके जो सरफेस बनाते हैं उसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस, फिर वहां पे ई निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस वेक्टर, वहां के लिए ई डॉट डी एस निकलेगा, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, सर्फेस वेक्टर हमेशा कैसे होता है, सर्फेस वेक्टर क्या होगा इसका, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड्स, तो E डॉट डी एस हमारे पास किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं किसी भी चार्ज के लिए, दैट इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड, तो ये हमारे पास फ्लक्स आ गया, कितना आया Q by epsilon naught, कितना आया Q by epsilon naught, और फ्लक्स किसके इक्वल है, E dot ds के इक्वल है, तो दोनों चीजें आ गई, phi is equal to E dot ds और it can be written as Q by epsilon naught। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशंस हैं गॉस थ्योरम की, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली चार्ज लॉन्ग वायर, उसमें हमने एक वायर कंसिडर की, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया उसमें, तो जब हम दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं तो दो तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक है डिस्क्रीट दूसरी है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में हम तीन पढ़ते हैं, जब लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसको हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी से चार्ज पर यूनिट लेंथ, सर्फेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसको लेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया,
सिमिलरली वॉल्यूम पे है तो चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन वॉल्यूम. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. अगेन लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लीनियर चार्ज डेंसिटी सरफेस पे सिग्मा वॉल्यूम रो. तो चार्ज अपॉन लेंथ चार्ज अपॉन एरिया एंड चार्ज अपॉन वॉल्यूम. तो इसमें हम कंसिडर कर रहे हैं किस पे लॉन्ग चार्ज वायर पे. एक वायर ली उस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करवाया. तो हमने इसको देखा हमारे पास वायर है. सबसे पहले तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा एनक्लोज करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा. तो पॉइंट को एनक्लोज करने के लिए यहां सर्कल बनाया इसको एनक्लोज किया तो ये बन गया सिलेंड्रिकल. तो हम इसको थ्री रीजन में डिवाइड कर रहे हैं रीजन वन रीजन टू रीजन थ्री. तो अब इसका सर्फेस वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स इसका सर्फेस वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स इसका सर्फेस वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स. बट यहाँ पॉजिटिव चार्ज है वायर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमेशा आउटवर्ड्स ही जाएंगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स तीनों रीजन्स के लिए. इसका सरफेस वेक्टर जाएगा अपवर्ड मेकिंग एंगल 90. इसका सरफेस वेक्टर आएगा डाउनवर्ड मेकिंग एंगल 90. और ई डॉट डी एस डॉट हटेगा कॉस थीटा आएगा तो ई डी एस कॉस थीटा वेल कॉस थीटा विल बी कॉस 90. तो कॉस 90 इज जीरो कॉस 90 इज जीरो. तो ना वन का फ्लक्स आएगा ना थर्ड का आएगा सिर्फ क्या रह गया सेकेंड ई और सरफेस वेक्टर इज आउटवर्ड्स. तो दोनों का एंगल हो गया जीरो. तो फ्लक्स ड्यू टू थ्री रीजंस फाइ वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री क्योंकि एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की तो फाइव की जगह लिखना है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. तो ये आ गया ई डॉट डी एस किसका सेकेंड रीजन का वेर ई डी एस विल बी कॉस जीरो. तो ई डी एस सर्फेस इंटेग्रल ऑफ डी एस. तो सरफेस एरिया लेना है सिलेंडर का वो आ जाएगा 2 पाई आर एल. हम लेंथ एल लेंगे सिलेंडर की तो ये बन गया 2 पाई आर एल. तो क्यू अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई जहां चार्ज अपॉन लेंथ कितना होगा लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट वेयर ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. सेकेंड शीट की वजह से हमने कंसिडर की एक पॉजिटिवली चार्ज्ड शीट. अगेन इसको एनक्लोज करने के लिए सिलेंडर लिया गॉसियन सरफेस क्योंकि एनक्लोज होना चाहिए चार्ज. तो गॉसियन सरफेस लिया तो हम तीन रीजंस लेंगे फिर से वन टू और हमारे पास थ्री. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स सरफेस वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स सरफेस वेक्टर आउटवर्ड्स. यहां पे सरफेस वेक्टर आउटवर्ड्स इधर जाएगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जाएंगी. तो थीटा फिर से कितना बन गया 90. तो ये फ्लक्स तो कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला रह गया फर्स्ट का और थर्ड का. तो टोटल फ्लक्स विल बी फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री. जब हम वैल्यूज पुट करते हैं क्योंकि ये एप्लीकेशन है गॉस की तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ये वाला जीरो. इसको लेंगे ई डॉट एस ई इंटू एस या ई इंटू ए एरिया ले लिया तो आ गया टू टाइम्स ई. तो अगेन ई निकालना है वो आ जाएगा q अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट वेर q अपॉन ए इज q अपॉन ए इज सिग्मा. तो कितना आ गया सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट. ये थी सेकेंड एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की. नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड. तो थर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शेल. तो हमने स्फेरिकल शेल कंसिडर किया है जिसका रेडियस है r. उसमें हमने एक पॉइंट लिया है आउटसाइड मतलब वेर स्मॉल r इज ग्रेटर देन द रेडियस. तो यहां गॉसियन सरफेस लेंगे इसको इनक्लोज करेंगे स्फीयर बनाएंगे. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स क्योंकि शेल पे पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो कितना हो गया ई डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. तो ई इंटू डी एस मतलब 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया स्फीयर का कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर विच इज अगेन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. क्यों ले रहे हैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट क्योंकि एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की. तो ये आ गया e 1 by 4 by epsilon naught q by r square small r. तो e is inversely proportional to r square. अब अगर हमें on the shell निकालना है तो हम यहां consider करेंगे point same steps लिखेंगे but small r की जगह क्या लिख देंगे capital R. तो e कितना आ गया k q by r square capital R square which is constant क्योंकि radius constant है तो e constant हो गया. third inside तो अंदर तो charge ही नहीं है शेल पे तो चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है अंदर चार्ज जीरो है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इसी फॉर्मूले में डालें तो कितना हो गया क्यू क्यू जीरो तो ई तो ऑटोमेटिकली जीरो हो ही जाएगा.
अब अगर इसकी वेरिएशन देखें तो वो कैसे होगी, स्मॉल आर ग्रेटर देन आर लेस देन आर, तो अंदर तो जीरो है, जीरो मतलब ऐसे ही लाई करेगी। नेक्स्ट आर पे कितनी है हमारे पास कॉन्स्टेंट, और उसके बाद हमारे पास इनवर्सली टू आर स्क्वायर, तो इनवर्सली टू आर स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट कर दिया और यहां पे हमारे पास आ गई वैल्यू कॉन्स्टेंट। तो ये है वेरिएशन किसकी, स्फेरिकल शेल के लिए हमने वेरिएशन स्टडी की है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर 1 के। बाय।